नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अरुण भारद्वाज। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अपने पौधों के लिए, अपनी गार्डनिंग के लिए हम करते हैं, पौधे हमारे अच्छे कैसे होंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आज सरसों की जो खली होती है जिसको हमारे पशु खाते हैं, इसका फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, इसका जो फर्टिलाइज़र बनाने की क्या विधि है, कैसे बनाते हैं, किन किन पौधों में डालना चाहिए, किन में डालना चाहिए, मैं आपको सारा आज बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको क्या है, 250 ग्राम सरसों की खली लेनी है। आप देख सकते हैं ये 250 ग्राम सरसों की खली है, और इसको मैं क्या करूँगा, बाल्टी में या किसी प्लास्टिक के बर्तन में, मिट्टी के अगर बर्तन में डालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, मटका है या जो भी इस तरह का जो होता है मिट्टी का बर्तन, उसमें बहुत अच्छा रहता है। 250 ग्राम सरसों की खली को हमको इसमें डालना है और 5 लीटर पानी डालना है, और 5 लीटर पानी डाल के इसको ढक के हम रख देंगे। उसके बाद प्रत्येक दिन उसको निकाल के, मतलब हमको हिलाना होता है, प्रतिदिन उसको हम हिलाएंगे, और गर्मी का मौसम है तो हम 5 दिन तक उसको उसमें रखेंगे। 5 दिन बाद उसमें से हमको 1 गिलास लिक्विड को 10 गिलास पानी मिला के 100-100 ml हर गमले में डालना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने पहले आज 25 तारीख होगी, 25 सितंबर है आज, 20 सितंबर को मैंने बनाया था, मेरी छत पे रखा हुआ है मटके में, मैं उसको दिखाता हूँ आपको कि 5 दिन बाद ही कैसा हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा पेस्ट पिछले 5 दिनों से इसमें पड़ा हुआ है, इसको इस तरह से डंडे से हिलाएंगे। अभी इसको डंडे से हिला दिया हमने। तो दोस्तों इसमें से हम 1 गिलास, ये हमारा 1 गिलास है, और इसको लेंगे हम इसमें, और इसका 10 गुना, मतलब 10 गिलास हमको पानी, 10 गिलास पानी इसमें मिलाना है। 1 गिलास में 10 गिलास मिलेगा। ये ज्यादा है, ये 5 दिन पहले मैंने, 5 दिन पहले मैंने इसमें डाला था, 20 तारीख को डाला था, आज 25 तारीख होगी, तो 5 दिन से इसमें है। गर्मी के दिनों में आप 5 दिन डालोगे, और सर्दी अगर है तो उसमें आप 10 दिन भी कर सकते हो। ये बिल्कुल लाइट हो गया है, ये फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है। आओ, अच्छा इसको हम आउटडोर प्लांट में डालेंगे, इंडोर प्लांट में नहीं डालेंगे हम, क्योंकि उसमें फंगस लगने का डर होता है। तो आओ हम दिखाते हैं आपको, ये मैं प्रत्येक गमले में, हर एक गमले में इसको 100-100 ml डालना है, लगभग लगभग आधा गिलास। बड़ा गमला है तो आप 150 से 200 ml भी ले सकते हो। और ध्यान रखना है आपको पौधों पे छिड़काव नहीं करना है इसका, ये सिर्फ डालना है इस तरह से, पौधों पे छिड़काव नहीं करना, स्प्रे नहीं करना है इसका। ये दिखाओ, आधा आधा गिलास में डाल रहा हूँ। इसको आप गर्मियों में डालोगे, सर्दियों में डालोगे, बरसात के मौसम में नहीं डालोगे। पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इससे। इसको भी ले लो, मेरे मेरा जेड प्लांट है। ये भी मेरा जेड प्लांट ही है। बड़ा गमला है तो 150 ml भी डाल सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ हुआ नहीं है अभी, इसको ऐसे ही डालता हूँ।
दोस्तों मैंने अपने सारे प्लांट्स में ही डाला है, कुछ प्लांट्स मेरे नीचे भी, मैं भी आपको नीचे भी दिखाऊंगा। बंधन में एक बार डाल सकते हैं हम इसको, महीने में दो बार। कुछ प्लांट नीचे हैं उनमें दिखाऊंगा मैं आपको। सौ ml डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इंडोर प्लांट में आपको नहीं डालना है। मनी प्लांट इंडोर है, इसको नहीं डालेंगे हम। थोड़े से पौधे इधर भी हैं हमारे, थोड़ा थोड़ा इनमें भी मैं डाल देता हूँ। इनमें तो 20-30 ml डलेगा, ज़्यादा नहीं। थोड़ा पानी भी कर दिया। तो ये सब मेरे पौधे हैं सारे, कुछ नीचे भी हैं थोड़े से, उसके नीचे भी लगे हुए हैं। ये सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे बताना। और फर्टिलाइजर को पंद्रह में डालना, इंडोर प्लांट में बिल्कुल मत डालना। और अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करना और लाइक करना।